हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। सेकंड चैप्टर का हम इंट्रोडक्शन में पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, उसी पे डिपेंड है हमारी एक्सरसाइज। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ़ एक्स बाई थ्री प्लस वन वाई माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3 और 1/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? हमने इंट्रोडक्शन के अंदर पढ़ा था कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, तो उसमें क्या कंडीशन थी कि जो फर्स्ट है एलिमेंट्स है वो फर्स्ट के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा। ये हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। सिंस द ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं कब इक्वल हैं, तब द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स फर्स्ट है वो फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड है वो सेकेंड के इक्वल। तो हमने कंपेयर किया एक्स बाई थ्री प्लस वन, ये किसके इक्वल आएगा, 5/3 के, एंड वाई माइनस 2/3 किसके इक्वल आएगा, 1/3 के। सॉल्व करेंगे, एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू 5/3 प्लस वन को इधर लेके आए माइनस वन आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 2/3। इधर थ्री डिवाइड है, इधर लेके आएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से थ्री कैंसिल, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 2। इसी तरह वाई की करेंगे, वाई माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, वाई इज इक्वल टू 1/3, 2/3 को इधर लेके आएंगे 2/3 प्लस हो जाएगा। अब दोनों में एलसीएम सेम है तो 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1, एक्स की वैल्यू 2 आई एंड वाई की वैल्यू 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इफ द सेट ए हैज थ्री एलिमेंट्स, कोई सेट ए है जिसके अंदर थ्री एलिमेंट्स हैं, एंड द सेट बी, और दूसरा है एलिमेंट सेट बी 3, 4, 5, जिसके अंदर 3, 4, 5 एलिमेंट हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। हमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताना है किसके अंदर, ए क्रॉस बी के अंदर। नंबर ऑफ ए, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ बी, बी के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं, थ्री एलिमेंट हैं। और हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी जब हमें फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कितना है, थ्री, और नंबर ऑफ बी भी क्या है, थ्री, थ्री मल्टीप्लाई थ्री कितना आ जाएगा, नाइन एलिमेंट्स। इट मीन्स ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास नाइन एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ z इज इक्वल टू 7, 8 एंड h इज इक्वल टू 5, 4, 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। g हमें एक सेट दे रखा है, h हमें एक सेट दे रखा है, हमें फाइंड करना है g क्रॉस h। g क्रॉस h के अंदर ऑर्डर्ड पेयर हम किस ऑर्डर में लिखेंगे, ये देखो, एक्स वाई, x बिलोंग्स टू g, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, g से, एंड सेकेंड एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, h से, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे g क्रॉस h, फर्स्ट एलिमेंट इसका 7, पहले 7 की इन सभी के साथ करेंगे क्या आएगा, 7, 5, 7, 4, 7, 2 लिखेंगे, 7, 5, 7, 4, 7, 2। फिर सेकंड एलिमेंट उठाएंगे, सेकंड एलिमेंट की इन तीनों के साथ करेंगे, 8, 5, 8, 4, 8, 2। ये हमारे पास क्या आया, जी क्रॉस एच। जब हमारे पास अगर फर्स्ट यहाँ पे जी क्रॉस एच है तो फर्स्ट एलिमेंट किससे होगा, जी से, और अगर हमारे पास एच आगे है तो फर्स्ट एलिमेंट एच से आएगा आपके पास। एच क्रॉस जी एक्स वाई की उसमें होगा, और एक्स बिलोंग, अब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, एच से, और सेकेंड एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, जी से, तो इसके लिए एच क्रॉस जी। अब हम एलिमेंट किससे उठाएंगे, एच से, एच के फर्स्ट एलिमेंट की इन दोनों के साथ करो पहले, 5, 7, 5, 8, उसके बाद फोर एलिमेंट उठाएंगे, 4, 7, 4, 8, उसके बाद थर्ड एलिमेंट 2 है, 2, 7, 2, 8, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एच क्रॉस जी, ठीक है, ये आ गया एच क्रॉस जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू फॉल्स, हमें ट्रू फॉल्स बताना है, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स देन राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आपको स्टेटमेंट फॉल्स दी हुई है तो आपको राइट स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब फर्स्ट है, इफ
इज इक्वल टू एम एन। पी के अंदर हमारे पास दो एलिमेंट दिए हुए हैं एम एंड एन, एंड क्या सेट है उसके अंदर दो एलिमेंट है एन एम, देन पी क्रॉस क्या हु एम एन एन एम, ये आपको दिया हुआ है। अब जब आप इसको देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि सेट पी के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, टू। इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, टू। टू क्रॉस टू कितना आया, फोर। तो एलिमेंट्स कितने आने चाहिए पी क्रॉस क्या में, फोर। बट यहाँ पे कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, टू। तो इसके लिए हम देखते हैं, सिंस नंबर ऑफ पी टू, नंबर ऑफ क्या इज इक्वल टू टू, नंबर ऑफ पी क्रॉस क्या हो क्या आ जाएगा, टू क्रॉस टू कितना आना चाहिए, फोर। बट यहाँ पे कितना दे रखा है, टू, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, फॉल्स। अब हमें राइट लिखना है, करेक्ट क्या आएगा, पी क्रॉस क्या हो। पहले हम पी के एलिमेंट उठाएंगे, एम की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, क्या आएगा एम एन एम एम। फिर सेकेंड उठाएंगे एन की, एन 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 एम, एन 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 एम, ये हमारे पास आया पी क्रॉस क्या हो। नेक्स्ट है, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी मीन्स ऐसे सेट जो खाली नहीं है। देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। तो हमारे पास ए और क्रॉस बी है, वो भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, एक्स क्रॉस सॉरी एक्स वाई, सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा बी से। अगर हमारे पास दो सेट हैं वही नॉन एम्प्टी हैं, तो उनकी क्रॉस भी क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। क्या है हमारे पास, ये ट्रू। थर्ड है, इफ ए इज इक्वल टू वन टू, बी इज इक्वल टू थ्री फोर, देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव। देखते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव, ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चल पड़े, इसमें से हम क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन फाइव। जब भी किसी खाली सेट का हम दूसरे सेट से इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या आएगा, खाली सेट आएगा। तो बी इंटरसेक्शन फाइव क्या आएगा, फाइव। फिर फाइव की हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए मल्टीप्लाई फाइव, तो वो भी क्या आएगा, फाइव। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ ए इज इक्वल टू माइनस वन वन, फाइंड ए क्रॉस ए। थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम ए क्रॉस ए। ए हमारे पास है माइनस वन वन, ए क्रॉस ए निकालना हमने। अब फर्स्ट एलिमेंट की इसी की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका फर्स्ट एलिमेंट उठाएंगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, माइनस वन माइनस वन, फिर माइनस वन वन, ये सेकेंड आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर इसका सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे वन माइनस वन, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट उठाएंगे वन माइनस सॉरी वन और वन, ये हमारे पास क्या आया, ए क्रॉस ए। इसी तरह हमें थ्री टाइम्स निकालना है, तो टू टाइम्स जो हमने निकाल लिया उसी की हम किससे कर देंगे, एक बार फिर कर देंगे ए क्रॉस ए की, फिर से ए के साथ कर देंगे। ए क्रॉस ए आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ए क्रॉस ए, इसके हमने किसके साथ करेंगे, ए के साथ कर देंगे। अब वही जो हमने पीछे पैटर्न यूज़ किया उसी का करेंगे हम, इसका पूरा। ये अब हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ये है, फर्स्ट एलिमेंट की इसकी फर्स्ट के साथ करेंगे, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसी की हम सेकंड के साथ करेंगे, माइनस वन माइनस वन वन, माइनस वन माइनस वन वन। फिर अब ये उठाएंगे और इसके साथ करेंगे, माइनस वन वन माइनस वन, ये आ जाएगा आपके पास। फिर इसकी इसके साथ करेंगे हम इसी तरह, फिर ये एलिमेंट उठा के इसके साथ करेंगे, फिर इसी एलिमेंट की सेकंड के साथ करेंगे, इसके फर्स्ट की फर्स्ट के साथ, इसके फर्स्ट की सेकंड के साथ, ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स बी ए वाई बी एक्स बी वाई। ए क्रॉस बी हमें दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है सेट ए एंड सेट बी। अब हमें ये तो पता चल गया कि टोटल ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, फोर। अगर फोर एलिमेंट हैं तो हम क्या करेंगे, सेट ए के अंदर हमारे पास, अगर पीछे भी पढ़ा था, फर्स्ट में हमारे पास ए है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट किसका आएगा, ए का। तो जो ए है, ए सेट के अंदर कौन कौन है, एक तो ए आ गया हमारे पास है, अब ये भी ए है, दोबारा नहीं लिखेंगे। अब दूसरा एलिमेंट क्या आया, बी, तो क्या है, ए और बी। फिर सेकंड एलिमेंट किससे होता है, बी से, तो सेकंड एलिमेंट क्या है, एक्स और वाई, इधर भी क्या है, एक्स और वाई। तो बी के अंदर बी इज इक्वल टू क्या आएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट क्या क्या है, एक्स और वाई। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर सिक्स तक। अब भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।